हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं दो कलर से फिर से आपको एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी। डोरमेट बनाने के लिए देखिए ये 9 नंबर सिलाई ली है हमने और 25 फंदे हमने डाल लिए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। और ये जो हम आपको डोरमेट बता रहे हैं ये हम आपको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने 25 फंदे इसमें डाल लिए हैं, मैं 25 फंदों में ही बता रही हूँ आपको। अगर ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे ले लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से, दो सिलाइयां मैं इसी तरह दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना लूंगी। ये दो सिलाइयां मैं दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह से, तो देखिए फ्रेंड्स हमने दो सिलाइयां उतार ली हैं, हम सीधी तरफ हैं। और ये देखिए हम इस तरह की पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। इसी तरह की हम चार पत्तियां बनाएंगे। अगर आप इसमें बड़ा बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा फंदे ले करके इसी तरह बड़ा बना लें। ये डोरमेट बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखिए दो सिलाइयां हमने बना ली हैं। ये देखिए इस तरह से एक, सॉरी दो, तीन हो गए, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11, 12 फंदे इस तरफ हैं मेरे। और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे इधर हैं। अब ये देखिए 11, 11 फंदे हमने दोनों तरफ कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम बीच में हैं। देखिए ये वाली हमारी बीच वाली फली है। ये देखिए हमने उसी तरह करना है जिस तरह से हम गले की फरी बनाते हैं, उस तरह से। ये देखिए पीछे धागा है हमारा, दो फंदे हम इस तरह से घटा देंगे। ये देखिए आगे के फंदे हम इसी तरह बनाते जाएंगे। मैं आपको ये छोटा ही बता रही हूँ, आप इसमें बड़ा बनाओगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी तरह पत्ते बना करके दोनों तरफ की मैं चार सिलाइयां बनाऊंगी हर कलर से, जिस तरह से इसमें बनाई हुई है। ये ऊपर तक हमने इसी तरह ले जाना है। ये देखिए इस तरह से, तो चलिए इसी तरह इसको पूरा कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने तीन तीन सिलाइयाँ यानी कि चार चार सिलाइयाँ दोनों कलर से बना ली हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह से हमने। अब ये देखिए हम उल्टी तरफ से, देखिए यहीं तक हम फंदे घटाते हुए आए हैं। ये देखिए उल्टी तरफ से हम यहाँ से इस तरह से बंद कर देंगे सारे फंदे।
इसी तरह की हम ये चार पत्तियां बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे इसमें। ये देखिए इसी तरह की मैं चार पत्तियां बना लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चार पत्तियां बना ली हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से चार पत्तियां मैंने बना ली हैं। देखिए मैंने ये छोटी ही बनाई है, आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसी तरह की पत्तियां बना लें। तो देखिए किस तरह से हम इनको रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये देखिए इस तरह से रखते हुए, देखिए कितना सुंदर डोरमेट लग रहा है। इस तरह से रखते हुए हम ये देखिए उल्टी तरफ से हम इनकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से सिलूंगी। ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है। ये देखिए चारों पत्तियों को मैं इसी तरह सिल लूंगी। तो चलिए हम चारों पत्तियों को एक ही धागे से इस तरह से सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से हमने सिल दिया है इस तरह से। अब ये देखिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए इस तरह से, और बनाने में भी बहुत ही आसान है, जल्दी ही बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का डोरमेट आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।